नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीत कौर स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आप सब लोगों के लिए पिकॉक मेहंदी डिजाइन की एक और एडवांस क्लास। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से एक शेप क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सेम वही शेप रिपीट करने वाले हैं। दोस्तों, आई होप दोस्तों कि आप सब लोगों ने हमारे इससे पहले पिकॉक मेहंदी डिजाइन की जो एडवांस और बेसिक क्लास आई थी, उन दोनों क्लासेस की आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी। इन सभी डिजाइन को लगाने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ रहा होगा। दोस्तों, अगर आप सब लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या फिर फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग भी इसी तरीके से स्टेप टू स्टेप बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन सीखना चाहते हैं, अपने स्पीड आउट्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरा जो चैनल है वो है वी टू मेहंदी डिजाइन के नाम से। मैं अगेन रिपीट करती हूँ दोस्तों, मेरा जो चैनल है वो है वी टू मेहंदी डिजाइन के नाम से। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि जो भी मैं नए नए वीडियोस, नए नए अपडेट्स अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंचे और आप लोग भी घर बैठकर बहुत ही आराम से इस भी डिजाइन के अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पिकॉक की एक बेसिक सी शेप बनाई है और उसको मैं यहाँ पर मेहंदी से अच्छे से इस तरीके से फिल कर रही हूँ। दोस्तों, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी डिजाइन के अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप खुद को परफेक्ट नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, हमारा ये डिजाइन बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल है। मैंने आप लोगों को छोटे छोटे स्टेप के अंदर समझाया है कि हम पिकॉक का डिजाइन किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी फिलिंग करने के लिए स्मॉल सर्कल का यूज कर रही हूँ। दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सब लोग मुझसे ऑफलाइन मेहंदी का कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि फेस टू फेस मिलकर के अपने सारे डाउट्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो इसके लिए नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारी आज की क्लास के मिनी ट्यूटोरियल एंड पिक आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर अवेलेबल हो जाएंगे। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है वी टू मेहंदी डिजाइन के नाम से। मैं अगेन रिपीट करती हूँ दोस्तों, मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है वी टू मेहंदी डिजाइन के नाम से, और वहाँ पर आप मुझे डीएम करना ना भूले। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने अब तक जितने भी पिकॉक की शेप बनाई थी उसके अंदर हमने कोई ना कोई एलिमेंट्स दिए हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर ना दे करके इसको बस मेहंदी से बहुत ही अच्छे तरीके से फिल कर रही हूँ। आप ये डिजाइन्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट कीजिएगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस डिजाइन की प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक शेप बनाई थी और उसके अंदर मैं दे रही हूँ ये पत्तियां, यानी कि राउंड की शेप की मैं यहाँ पर पत्तियां बना रही हूँ दोस्तों, और आप लोगों को भी इसी तरीके से ये डिजाइन्स बनाना है। आप लोगों को साथ में ही नहीं बल्कि बाद में भी डिजाइन की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, अगर आप सब लोगों को हमारी इससे पहले की बेसिक और एडवांस पिकॉक मेहंदी डिजाइन की क्लास अगर नहीं मिल रही है या फिर आप लोगों ने किसी वजह से उस क्लास को स्किप कर दिया है, तो हमारी इस वीडियो की साइड में जो थ्री डॉट दिए हुए हैं वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, आप लोगों को वो भी क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। आप उन वीडियोस को चलाइए और बहुत ही अच्छे तरीके से उन भी क्लासेस की प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, और खुद को परफेक्ट बनाते रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर इसी तरीके से सेम पैटर्न यूज करते हुए हमारी पिकॉक की शेप बनाई है दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको लाइट नहीं बल्कि थोड़ा सा डार्क रखा है, यानी कि हम यहाँ पर हमारा ये डिजाइन कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की क्लास का ये पैटर्न कैसा लगा उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को इन सभी डिजाइन को रिक्रिएट करने में, इन सभी डिजाइन को लगाने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, उनके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के उन सभी डाउट्स को, उन सभी प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकूं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो शेप बनाई थी उसको हम यहाँ पर चारों तरफ से इस तरीके से बोल्ड कर रहे हैं, ताकि मेहंदी की फीलिंग
कटिंग करते समय हमारा ये शेप, हमारा ये डिजाइन बिल्कुल भी खराब ना हो। हम यहाँ पर किसी भी तरीके के एलिमेंट्स यूज ना करते हुए बस इसको मेहंदी से अच्छे से फिल कर रहे हैं। इस तरीके से भी हमारी पीकॉक की ये शेप बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लगती है दोस्तों। यहाँ पर हमने जो ये गैप रखा था उस गैप को भी मैं यहाँ पर मेहंदी से बहुत ही अच्छे तरीके से फिल कर दूंगी। अब हम यहाँ पर इसकी फिलिंग करने के लिए पहले दो आउटलाइन बनाएंगे और इसके ऊपर मैं दे रही हूँ ये स्मॉल सर्कल। दोस्तों अब भी मैं आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी डिजाइन यहाँ पर बना सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की फिलिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। मैंने जो इस तरीके से जो शेप बनाई थी दोस्तों उसकी फिलिंग करने के लिए पहले मैं यहाँ पर इस तरीके से ये पत्तियां बना रही हूँ हाफ सर्कल वाली। इनको मैं यहाँ पर हल्का सा बोल्ड ही रख रही हूँ इस तरीके से। हमें इन पत्तियों को हल्का सा बोल्ड ही रखना है दोस्तों, क्योंकि हमें इसके अंदर हल्की हल्की शेडिंग भी क्रिएट करनी है। आप इनको इसी तरीके से इसी शेप के अंदर बनाइएगा। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर हल्की सी एक आउटलाइन दे रही हूँ, उसके अंदर मैंने डॉट किया और जो गैप रखा था उसको मेहंदी से अच्छे से फिल कर रही हूँ। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे दोस्तों, पहले एक आउटलाइन बनाई और इसको मैंने मेहंदी से अच्छे से इस तरीके से शेडिंग दिया, यानी कि हम यहाँ पर इसके अंदर शेडिंग देते हुए हमारे इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। गाइस आप लोगों को इस डिजाइन की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही आराम से और बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोगों को हमारी इन सभी क्लास की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्ट बनाना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसकी फीलिंग करती जा रही हूँ वैसे वैसे हमारा ये डिजाइन बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमने यहाँ पर ये जो आउटलाइन बनाई थी दोस्तों उसको हम यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से बोल्ड कर रहे हैं। चारों तरफ से हम इस आउटलाइन को हल्का सा बोल्ड कर देंगे। हमने जो आउटलाइन बनाई थी स्टार्टिंग में उस आउटलाइन के ऊपर हम दे रहे हैं इस तरीके से ये स्मॉल सर्कल।
तो ठीक है दोस्तों, हमारी आज की क्लास का ये पैटर्न, ये डिजाइन यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ एंड एक नए एलिमेंट के साथ। तब तक आप लोग इस डिजाइन की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा और खुद को परफेक्ट बनाते रहिएगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप खुद को अच्छे से परफेक्ट नहीं बना पाएंगे। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड बी प्रैक्टिसिंग। आई सो टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।